देवास में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और चाकूबाजी की घटना के बाद एक पक्ष की रिपोर्ट लिखने में देरी होने पर देवास विधायक गायत्री राजे पवार औद्योगिक क्षेत्र थाने में रात करीब 3 बजे कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची और उसके बाद खूब हंगामा हुआ। भाजपा पार्षद रुपेश वर्मा और मनीष बैरागी नाम के युवक का झगड़ा दूसरे पक्ष के राजेंद्र पुष्पेंद्र और जीतू से हुआ, जिसमें मनीष बैरागी को चाकू से चोट लगी। थाना औद्योगिक क्षेत्र में दूसरे पक्ष की ओर से पार्षद रुपेश वर्मा और मनीष बैरागी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन इसकी क्रॉस रिपोर्ट में देरी हुई। घायल मनीष बैरागी अस्पताल में इलाज कराने के बाद औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंचा और कई घंटे तक घायल अवस्था में थाने के बाहर बैठा रहा। जब इस बात की जानकारी विधायक गायत्री राजे पवार को लगी तो वे देर रात 2:30 बजे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गई। उनके साथ विक्रम सिंह पवार भी मौजूद थे। थाने पर पहुंचकर विधायक ने टीआई को बुलाने की मांग की, जिस पर टीआई नहीं आए। देवास सीएसपी अनिल सिंह राठौर, कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार सूचना मिलने पर तुरंत इंडस्ट्रीज एरिया थाने पहुंचे। हमेशा की तरह फिर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सीएसपी अनिल सिंह राठौर ने स्थिति को समझते हुए विधायक जी को आश्वासन दिया और उनको समर्थकों को भी समझाया कि सभी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। ये बताइए, कहाँ पे आप पहुँचे हैं और रात के 3:30 बज रहे, क्या कारण है जो आपको थाने पहुँचना पड़ा? कारण ये है कि एक 17 साल के बच्चे को पीठ पे सामने छुरे लगे हैं और वो इस हालत में थाने पे पड़ा हुआ है। 9 बजे से उसके ऊपर हमला करने वालों की रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, पर इसकी तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, कायम ही नहीं हुई। और वो बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ था, जो उसके साथी आए हुए थे, मेरे फ़ोन पर बताने के बाद भी यहाँ पर जो 2 स्टार थे वो रिपोर्ट लिख रहे थे, उन्होंने बोला था लिख रहा हूँ मैं, और उनको टीआई का फ़ोन आता है और वो बाहर निकल जाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ है उनके आज भी। जो करण सिंह जी 2 स्टार थे वो लिख रहे थे रिपोर्ट, पर टीआई के फ़ोन के बाद वो निकले हैं यहाँ से। और टीआई हैं यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया के, जो एक विधायक के खड़े होने के बाद भी 1 घंटा हो गया मुझे, मैं यहाँ खड़ी हूँ, पर उनको आने की फुर्सत नहीं है। उन्होंने एक फ़ोन नहीं लगाया, उन्होंने यहाँ के जो अधिकारी हैं या उनसे जो भी छोटे स्तर के हमारे पुलिस अधिकारी हैं, उनसे छोटे स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे एक बार भी उन्होंने फ़ोन पे संपर्क नहीं किया है। सब फ़ोन लगा रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं। सीएसपी साहब आए, दूसरे थाने के टीआई आए हैं यहाँ पे और उन्होंने काम आसान किया है मेरा, और रिपोर्ट लॉन्च हुई है, कायमी हुई है अभी, पर वो इसलिए हो पाई कि एक विधायक को 1 घंटा आके खड़ा रहना पड़ा और फिर ये काम हुआ है। ये इस तरह का टीआई अगर इस थाने पे है, इतने महत्वपूर्ण थाने पे इंडस्ट्रियल एरिया के, ऐसा टीआई है और इस टीआई की एसपी साहब पब्लिकली तारीफ करते हैं, तो इसे क्या समझा जाए? ये प्रश्न मैं जनता के बीच में छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि मैं कर रही हूँ और प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आज यहाँ पे 3:30 बजे तक मैं जनता के लिए खड़ी हूँ। इससे पहले कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि इस तरह से पुलिस को झंझोड़ना पड़ा है, पर आज हमें ये ज़रूरत पड़ी। आप विधायक भी हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है, तो क्या लगता है इसका इफेक्ट देखा जा रहा है क्या? बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है। अभी कुछ लोगों ने बोला कि इस थाने में, खास करके इस थाने में एंट्री देते से ही बताना पड़ता है कि आप कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपकी सुनवाई होती है। क्या मानते हैं आप, दूसरी बार इसी थाने टीआई के शिकायत हो रही है आपके सामने? इससे पहले भी एक शिकायत हुई थी जी, एक व्यक्ति मर गया पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, संजय नगर की घटना है जी, और आज वही चीज दोहराई जाती, इसलिए मैं खुद आई हूँ। 2 बार का ऐसा मामला हो गया, एक बार पहले भी यहाँ पे जो है कि ज्ञापन दिया गया था एसपी साहब को, और आज खुद आपको यहाँ पे थाने पे आना पड़ा। क्या लगता है आपको, लगातार एक के बाद एक आते रहेंगे या फिर ऐसा कोई विधायक होने के नाते जनता के जनप्रतिनिधियाँ या तो कोई एक्शन लेंगे इस थाने के? विधायक होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते आवाज उठाऊंगी, संघर्ष करूंगी पूरी तरह से, इन लोगों के अगेंस्ट आवाज उठाऊंगी, पूरी ताकत से आवाज उठाऊंगी और अपनी जनता के साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि इस जनता ने विश्वास रखा है मुझ पे, इनके साथ मैं खड़ी हूँ। अगर कांग्रेस शासन प्रशासन इस टीआई का संरक्षण कर रहे हैं, इसे बचा रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो रिजल्ट खुद देख लें सामने कि एक 17 साल का बच्चा चाकू लगा के यहाँ पे पड़ा हुआ है और उसकी सुनवाई नहीं हुई। अभी 3:30 बजे रिपोर्ट दर्ज हुई है, 9 बजे का हादसा है ये, और जबकि उसको मारने वालों का 9 बजे रिपोर्ट हो गई है। क्या लगता है आपको, आपके आने के बाद ही रिपोर्ट हुई, अगर आप नहीं आते तो क्या मुकदमा दर्ज नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, और ये बच्चा शायद यहीं मर जाता। ठीक है, थैंक यू। आए थे क्या मामला पूरा?
आज शाम को दो पक्षों का विवाद हुआ था। उस विवाद पे एक पक्ष थाने पे आया था, उसकी रिपोर्ट लिखी गई थी। दूसरा पक्ष जो मनीष बैरागी है, ये सीधा हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल ने मैं इसने MLC अपनी MGH में कराई थी, वो MLC और वहाँ से जो रिपोर्ट वहाँ के नाम से दर्ज हुई थी वो साना यहाँ गया था। चूँकि वो फरियादी खुद बाद में यहाँ नहीं आने से उसकी FIR उस समय तक समय FIR नहीं हुई थी, लेकिन वो प्रथम सूचना हमको चूँकि आ जाती है, इसमें बयान के आधार पे हम बाद में मुकदमा दर्ज करते हैं। तो ऑलरेडी प्रथम सूचना हमारे पास आ चुकी थी, इसलिए उस प्रथम सूचना के आधार पे हमने FIR की कॉपी भी काट के उसको दे दी। अदरवाइज वो खुद आते तो उनका बयान लेके भी हम FIR उसको लिखते। सर, जैसा मामला विधायक का आरोप है सीधा सीधा के PI मतलब दुविधा रख रहे हैं और मामला दर्ज करने में काफ़ी देरी लगाई है, वो सीधा TI पे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दुविधापूर्ण कार्रवाई करते हैं, तो पहले भी इस तरह का उन्होंने आरोप लगा चुके हैं। ये अलग विषय है, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में आज देखा जाए तो इसमें चूँकि डायरेक्ट फरियादी MGH पहुँचे थे और वहाँ उनकी MNC होने के बाद PMLC के रूप में हमारे पास रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के आधार पे उनके स्टेटमेंट होते हैं, उस पर से जो मेडिकल में सेक्शन बनते हैं उसके आधार पे हम केस रजिस्टर करते हैं। सर, थाने प्रक्रिया होती आज जैसा उनका आरोप ये कि ये भी था कि मैं एक घंटे से यहाँ पे हूँ विधायक होने के नाते, मगर TI यहाँ से नदारद है। TI को कहीं बाहर, TI यहाँ थे रात को 11:30 बजे तक TI यहाँ थे, उसके बाद वो कहीं बाहर उनको किसी दबिश में वो गए थे। जिस तरीके से उनका माननीय विधायक जी का यहाँ आना हुआ और जो खबर मुझे मिली, तो मैं खुद ही 10 मिनट्स यहाँ गया था और मैंने बात सुन ली थी। जो वर्जन उसके थे रिकॉर्ड करके FIR कॉपी उनको दे दी गई है। सर, विधायक जब यहाँ पे पहुँचे थे तो स्टाफ के नाम पे सिर्फ यहाँ पे 2 लोग थे, इसके अलावा कोई थे ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई, उसके बाद आप हुए, फिर मुकदमा यहाँ पे दर्ज हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ रात को सब गश्त में रहता है, रात को ऑलमोस्ट 2 आदमी ही नाइट ड्यूटी में रहते हैं, बाकी यहाँ का जो गश्त अधिकारी रहता है वो गश्त में था। सब इंस्पेक्टर जब मैं आया जब मैं मौजूद था, शर्मा सब इंस्पेक्टर मौजूद थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।